इतना बड़ा बना रहे हो? बिल्कुल। कितने इंच का है आपका? 14.5 इंच का है मेरा। अच्छा, 14.5 इंच का आपका। हमारी 14.5 वाली जो है ये सैंडविच टेंडर लॉफ रेडी हो गई है और साइज देखिए 3 पीसेस में उन्होंने जो है ना कट करके रखा है इसको। इतना बड़ा ये हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ खाऊँ कैसे। और बहुत ज़बरदस्त मेकिंग है इसकी, आप लोग देखिएगा जरूर आगे वीडियो में। और अभी हम ये टेस्ट करते हैं और फिर टेस्ट करके बताते हैं। ये इतना बड़ा हो रहा है तो भाई, क्या बना रहे हो आज? सर टेंडर लॉ सैंडविच। टेंडर? टेंडर लॉ। टेंडर लॉ जी। ये कौन सा लॉ है? टेंडर लॉ। लॉ। अच्छा, लॉ ब्रेड का नाम है इसकी। अच्छा, कितना बड़ा जी? 14.5 इंच का सैंडविच है ये। 2% कितना बड़ा बना रहे हो? बिल्कुल। कितने इंच का है आपका? 14.5 इंच का है मेरा। अच्छा, 14.5 इंच का आपका। ये क्या काट रहे हो? अभी क्या कश्ती वश्ती निकालोगे संतरा काट के? बिल्कुल, मिस्टी के साथ ज़्यादा पसंद है। ज़बरदस्त। कितने का है वैसे वाला सैंडविच? हाँ सर, 550 का है इसकी इंट्रोड्यूसिंग प्राइस। यार 550 तो अच्छे दे रहे हो, अगर इतना बड़ा का तुम बना रहे हो। ये क्या कर रहे हो? इसकी जो ऊपर की जो टॉप लेयर है हाँ वो हट जाती है क्राउन के साथ। टॉप लेयर हटा दे दो। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? जो टॉप लेयर को जो हम लोग बटर की टॉपिंग पे बटर स्कॉच की टॉपिंग बटर स्कॉच की टॉपिंग कर रहे हो? ज़बरदस्त भाई। अब क्या करोगे? एंड देन सेकंड जो है वो जो स्टफ है वो निकल जाता है। ये क्या उंगली कर रहे हो? जी बिल्कुल, हमारी आवाम को उंगली करना बहुत पसंद है। अच्छा, उंगली कुछ निकलता भी नहीं ना। अच्छा, कितनी देर तक करना होता है वैसे? ये मैक्सिमम 2 मिनट तक करना होता है। 2 मिनट तक? सही है। सारा अंदर से निकाल लोगे मतलब? बिल्कुल, एजेस तक निकालना होता है। एजेस तक निकालना होता है, सही है। अब उसके बाद क्या डालोगे? सब फर्स्ट इसमें आ जाइए क्लासिक स्टैंडर्ड मायो। ये वाइट वाइट क्या है? स्टैंडर्ड मायो सॉस। स्टैंडर्ड मायो सॉस कितना डालना होता है? ये 20 ग्राम इसकी सॉस होती है। 20 ग्राम? अच्छा भाई, सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखा हुआ है। ये क्या मिला है? ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग जो इसकी डो का रिच फ्लेवर देती है। डो का रिच फ्लेवर देती है। ये क्या मिला रहे हो? ये अनियन रिंग्स है, चॉप अनियन होते हैं। अच्छा, चॉप अनियन है। रिंग्स तो नहीं नजर आ रही मुझे। जमीदार चॉप बोल। चलो सही। अब ये क्या डाला है? ये कैप्सिकम। कैप्सिकम शिमला मिर्च। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या मिलाओगे? इसके बाद आ जाएगी जो लाइन है मतलब रॉ है वो मैक्रोनी से होती है। मैक्रोनी? बिल्कुल। ज़बरदस्त। लोकेशन कहाँ की है सर? लोकेशन कराची हलीम के बिल्कुल अपोजिट है, मेन हुसैनाबाद पुलिस। कराची हलीम के बिल्कुल अपोजिट, मेन हुसैनाबाद स्ट्रीट। जी बिल्कुल। ठीक है यार, रश तो बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ तुम्हारी शॉप का। सही है, माइल्ड चीज़ सॉस है। माइल्ड चीज़ सॉस, ज़बरदस्त। ये कितना मिलाना होता है? सही 15 ग्राम है जो होता है ऊपर मतलब इनसाइड के ऊपर होता है। देन उसके बाद जब चिकन आएगी देन उसके बाद हम लोग 10 ग्राम डालते हैं। ठीक है, अब ये क्या मिला रहे हो? अभी आ रहा है क्रीमी आइलैंड सॉस की एक लेयर। क्रीमी आइलैंड सॉस? हमने 1000 आइलैंड सुना था, क्रीमी आइलैंड सॉस क्या है ये? ऐसा ये सिमिलैरिटी में होती है बट यहाँ टेंगी नहीं होती। अच्छा, टेंगी नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद क्या मिला हुआ? इसमें जो मीट यूज़ होते हैं वो 2 कैटेगरीज के होते हैं। फर्स्ट में जो यूज़ होता है वो टेंडर होता है, चिकन स्ट्रिप्स होते हैं जो इनसाइड फ्लेवर वाइज होते हैं। अगर राइट नहीं तो फ्लेवर आएगा। कितने बंदे की सर्विंग होती है, कितना बंदा खा सकता है इसको? नॉर्मली 2% को इजीली मिल गया सर। यार बहुत बड़ा है तो पाकिस्तानी कैपेसिटी का फर्क होता है ना। अच्छा, अब क्या मिलाओगे इसमें? सेकंड चिकन के फ्लेवर आएगा जो स्टेक चिकन है। अच्छा, ये इनसाइड फ्लेवर वाइज होती है बट जो चिकन है वो पूरी चार बार ग्रेड होती है। ज़बरदस्त, अलग अलग किस्म के मतलब चिकन मिला दो तुम। बिल्कुल, 2 चिकन के मीट होते हैं। सही है यार, 550 के हिसाब से तो तुम बड़े ज़बरदस्त चीज़ दे रहे हो। चिकन भी पूरा केएनएम दे रहे हैं ड्रॉप है। चिकन केएनएम का यूज़ कर रहे हो? बिल्कुल, ब्रांडेड। ब्रांडेड और ये क्या अपना टेस्ट बना दिया जी। ये क्या मिला रहे हो? ये एडम के जी स्लाइस है, 2 स्लाइस यूज़ होता है। 2 स्लाइस यूज़ करते हो? ठीक है, अब इसके बाद क्या मिलाओगे? इसके ऊपर एलोबिनो की टॉपिंग होगी। एलोबिनो? बिल्कुल, लाइट सा स्पाइस भी आना चाहिए ना लाइन के साथ। ज़बरदस्त यार, इतनी चीज़ खा खा के तो फिर चीज़ की क्रेविंग पूरी हो जाएगी बंदे की। अब ये क्या मिला रहे हो? ये एलोबिनो स्पाइस आएगा। एलोबिनो ये कितनी मिलानी होती है? ये 7 स्लाइसेज यूज़ होती है। सही है। अच्छा, तुमने इसकी साइज़ क्या बताया था ये सैंडविच का? 14.5। देख लो, 14.5 का ही होगा। अरे मेजर करके देख लो, हम नाप के देखेंगे। हाँ बिल्कुल, छोटा नहीं होना चाहिए। बेफिक्र। अब ये क्या मिला रहे हो? ये फायर सॉस है, स्पाइस लवर के लिए होती है। फायर सॉस? आग वक्त से बनाते हो क्या ये? खाने के बाद पता चलता है वो आग कहाँ से। पहले नहीं पता लगेगा? नहीं भाई, इनके पास ये सैंडविच वैंडविच मिलती है। ज़बरदस्त सीन है, हुसैनाबाद का है, रश फुल ज़बरदस्त लगा हुआ है आम का। अभी रेडी हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, अभी ग्रिलर में जाएगा। ये क्या अंदर जाके ग्रिल्ड होगा? बिल्कुल। कितनी देर तक रखना होता है? टॉप लेयर हमने इसको बटर स्कॉच से करी थी, फर्स्ट लोग ग्रिल करेंगे और इसको मेल्ट कर देंगे चीज़ को। कितनी देर तक रखना होता है इसके अंदर? मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट। और टेम्परेचर क्या रखा है? टेम्परेचर 200 सर।
100। चलो अभी कितनी देर में रेडी हो जाएगा ये? मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट में? चलो सही, आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जब तक अंदर गया भाई, ये रेडी हो रहा है, फुल गर्म हो रहा है, बाकी आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। हाँ भाई, तो आप क्या कर रहे हो? सही, टॉप लेयर दी, वो प्रॉपर वार्म हो गया, उसके ऊपर आ गया। अब दोबारा इसको गर्म करोगे? अब कितनी देर तक करना होता है? दो मिनट तक। टोटल ये जो आइटम है तुम्हारे कितने टाइम में बन जाता है? मैक्सिमम 12 मिनट का सर्विंग टाइमिंग है। 12 मिनट में बन जाता है यार, बहुत लंबा नहीं है? 12 मिनट की सर्विंग टाइम स्टैंडर्ड है। चलो सही। और तुम्हारे इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है? पनीनी सैंडविचेस है हमारे पास, ग्रिल सैंडविचेस है, पनीनी ग्रिल सैंडविचेस होते हैं हमारे पास, सैंडविच और ग्रिल सैंडविचेस होते हैं। और हॉट डॉग भी हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं फ्रीजर के अंदर। अलावा ये लॉफ सैंडविच है। तुम बहुत छोटे लग रहे हो, एज क्या तुम्हारी? 19 की हो। 19 की उम्र में आपने बिजनेस कर लिया तुमने? 2 साल हमने जॉब करी है, उसके बाद यही पर रियलाइज हुआ कि जॉब से अच्छा होता है, जॉब से अच्छा बिजनेस है। जब ये हाथ दूसरों को कमा सकते हैं ना, तो अपने खुद के अंदर मतलब क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जबरदस्त एक चीज़ तो तुम बहुत ज़बरदस्त बना रहे हो माशाल्लाह। तुम्हारे बिजनेस से भी आइडिया हो रहा है कि इतना रश लगा हुआ है, तो बहुत ऑन सीन है तुम्हारा। चलो आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, तब तक ही निकल के आता बाहर। चलो भाई, अब क्या कर रहे हो? सही, हमारा बिल्कुल रेडी। बाहर निकालोगे? बिल्कुल, अंदर डाल के बाहर निकाल लो। हाँ बिल्कुल, अंदर डाल के बाहर निकाल। इसका बिल्कुल कड़क हो गया, ये बाहर निकल चुका है, इसलिए ये फुल कड़क हो गया। हाँ भाई, ज़बरदस्त कड़क हो गया, गर्म भी हो रहा है। अब क्या मिला रहे हो? ये अगेन प्री मैरिनेट सॉस है, दोबारा से मिलाओगे? बिल्कुल ठीक है। क्या कर रहे हो? नहीं कट एंड हाफ कर रहे हैं हम। अभी इतना बड़ा हमारा मून ये आएगा नहीं, काटना पड़ेगा उसको। बिल्कुल बीच में स्लाइस कर दो। कितने स्लाइस करते हो? सर के 3 स्लाइसेज है। छुरी से काट रहे हो? बिल्कुल। भाई ज़बरदस्त खुशबू, बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, मैं खाने के लिए भर रहा हूँ। जल्दी से रेडी कर दो भाई, भूख की टाइट लग रही है। कट गया ये? जी बिल्कुल, स्टंपिंग देख सकते हैं ज़रा। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। हर लेयर में आपको सब कुछ मिलेगा, वेजीज भी है, मीट भी है, चीज़ भी है। ज़बरदस्त, अब जल्दी से दे दो यार। ओके सर, अब क्या मिलाओगे इसके बाद? अब क्या करोगे? कर दो, कर दो भाई, छोटा कर दो उसको। तुमने नाप के लिए दिखाया मैं वैसे? अरे इंची टेप ले आता हूँ। इंची टेप कहाँ लाओगे अभी इतनी रश में? छोड़ो, नेक्स्ट टाइम अभी आएंगे ना, तो दोबारा इंची टेप से नाप के दिखा देना। ऐसे देखने में तो बड़ा लग रहा है। वैसे आपको आइडिया तो होगा ही। हाँ आइडिया है, तो बहुत अच्छे थे। फिर नाप तोल तो फिर बात की बात हो गई ना, एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। अभी दोबारा से रैप कर रहे हो उसको? बिल्कुल। रैप करके देते हो? बिल्कुल। चलो भाई, आप थोड़ा कितना सॉस ही है, अगर रैप नहीं करूँगा तो सारा सॉस। चलो ये रेडी हो गया है, अभी हम इसको खाते हैं और फिर ट्राई करके बताएंगे। भाई हमारी 14.5 वाली जो है ये सैंडविच टेंडर लॉफ रेडी हो गई है, और साइज देखिए 3 पीसेज में उन्होंने कट करके रखा है, तो इतना बड़ा ये हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ खाऊँ कैसे, और बहुत ज़बरदस्त मेकिंग है इसकी, आप लोग देखिएगा जरूर आगे वीडियो में। और अभी हम ये टेस्ट करते हैं और फिर टेस्ट करके बताते हैं कि ये इतना बड़ा हो रहा है, और बहुत क्रंची टाइप का हो रहा है। सॉस का तो मज़ा आ रहा ना, नेक्स्ट लेवल है। टिश्यू देना, टिश्यू। बेहतरीन टेस्ट है, एक नई चीज़ आई हुई है, इतना बड़ा बर्गर है, सैंडविच है ये 14.5 इंच का, हुसैनाबाद की लोकेशन है इसकी। आप लोग भी आए ट्राई करें, ज़बरदस्त चीज़ है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।